Hello, students. Today we are going to start our new topic of the same chapter from page number 64. Our chapter name is The Junk Seller. Kabar Bechne Wala. Chapter 6 The Junk Seller. Let's start. स्मार्ट किरण सेल्स बेचती द जंग कबाड़ स्मार्ट जो इंटेलिजेंट होता है स्मार्ट किरण कबाड़ बेचती है किरण सेल्स किरण बेचती हर उसका जंग कबाड़ या कचरा टू को ए एक बिग बड़ा शॉप दुकान किरण सेल्स हर जंग टू अ बिग शॉप किरण अपना कभाड़ एक बड़े शॉप दुकान में बेचती है सी वह चेक्स जांचना द प्राइसेस मूल्य ऑन पर हर उसके मोबाइल फोन एंड और सेल्स बेचती ओनली केवल व्हेन जब सी वह गेट्स प्राप्त करती दी ए एक गुड प्राइस गुड अच्छा प्राइस मूल्य किरण सेल्स हर जम टू बिग शॉप सी चेक्स द तो प्राइसेस ऑन हर मोबाइल फोन एंड सेल्स ओनली वैनसी गेट्स अ गुड प्राइस किरण किरण ने जो भी कचड़ा या कबाड़ जंग कलेक्टर से लिया था उनको क्या करती है वह कबाड़ को अपना कबाड़ बिग बड़े शॉप में बेचती है और, और वह चेक करती है जाँचती है प्राइसेस को अपने मोबाइल फ़ोन में थ्रू इंटरनेट गूगल ओके तो चेक करती है प्राइसेस किस का प्राइस कितना है लाइक दिस रेट लिस्ट ये सब वेस्ट मटेरियल और जंग हैं काइंड ऑफ जंक वेस्ट पेपर प्राइस फोर रुपीज़ न्यूज़ पेपर प्राइस रुपीज़ फाइव फॉर पर के जी आयरन ब्रास प्लास्टिक तो ऐसे ही इसके पास जो भी जंक हैं उनके रेट उनके प्राइसेस कितने रुपए के हैं वो प्राइसेस उनके वो अपने मोबाइल फोन पर चेक करती है और ओनली तभी उन्हें बेचती है जब उसे उसके बदले गुड प्राइस अच्छा दाम मिले अच्छी कीमत मिले तो तभी उन्हें वो बेचती है टुडे आज शी व हैज़ गॉन टू को शेल बेचने प्लास्टिक न्यूज़पेपर अखबार आयरन लोहा एंड और ब्रास पीतल एट पर दिनूज दीनू एपेस्ट्रॉफी एस दीनू का या दीनू के बिग बड़े शॉप दुकान पर टुडे शी हैज़ गॉन टू वह गई टुडे शी हैज गॉन टू सेल प्लास्टिक न्यूज़पेपर आयरन एंड ब्रास एट दीनूज़ बिग शॉप आज वह दीनू के बड़े दुकान पर प्लास्टिक न्यूज पेपर आयरन ब्रास बेचने गई दीनू वे थर्टी टू के जी आयरन लोहा फोर के जी ब्रास पीतल पीतल येलो कलर का होता है वन हंड्रेड फिफ्टी टू के जी न्यूज पेपर अखबार सिक्सटी थ्री के जी प्लास्टिक दीनू वे करता है इनको इनका वेट लेता है किसका चंका कबाड़ का थर्टी टू के जी आयरन फोर के जी ब्रास वन फिफ्टी टू के जी न्यूज पेपर सिक्सटी थ्री के जी प्लास्टिक इतना वेट इनका है इतने हैवी है ये सो क्वेश्चन ए फ्रॉम पेज नंबर सिक्सटी फाइव हाउ मच कितना विल होगा दीनू पे चुकाना फॉर के लिए सिक्सटी थ्री के जी प्लास्टिक हाउ मच विल दीनू पे फॉर सिक्सटी थ्री के जी प्लास्टिक दीनू सिक्सटी थ्री के जी प्लास्टिक के लिए कितना पैसे चुकाएगा कितना पे करेगा सो हेयर रेट लिस्ट एपेस्ट्रॉफी दीनू का रेट लिस्ट यहाँ पे रेट लिस्ट बनी हुई है रेट मूल्य या दाम कीमत काइंड ऑफ जंग काइंड प्रकार ऑफ का जंग कबाड़ कबाड़ काइंड का का है टाइप है कौन से टाइप का जंक है उनकी रेट लिस्ट है यहाँ पे कौन कितने रुपीस में कितने प्राइस में बेचा जाता है प्राइस ऑफ वन के जी प्राइस मूल्य ऑफ का वन के जी यहाँ तो पे पर के जी वन के जी के लिए प्राइस दिया हुआ है फॉर न्यूज़ पेपर रुपीज़ सिक्स फॉर आयरन फोर्टीन रुपीज़ फॉर ब्रास वन हंड्रेड एटी रुपीज़ प्लास्टिक ट्वेल्व रुपीज वेस्ट पेपर फोर हंड्रेड फिफ्टी रुपीज द रेट हेयर द रेट ऑफ का वन के जी एक के जी प्लास्टिक इज है रुपीज ट्वेल्व वन के जी प्लास्टिक का रेट है ट्वेल्व रुपीज रेट कीमत तो वन के जी प्लास्टिक की कीमत कितनी है ट्वेल्व के जी सो so, इसलिए द कॉस्ट मूल्य ऑफ का सिक्सटी थ्री के जी प्लास्टिक विल बी होगा रुपीज़ ट्वेल्व इंटू सिक्सटी थ्री इसी सिक्सटी थ्री के जी प्लास्टिक का कॉस्ट ट्वेल्व को हम मल्टीप्लाई कर देंगे सिक्सटी थ्री के जी से तो जो आंसर आएगा उतना होगा बिकॉज वन के जी प्लास्टिक का रेट है ट्वेल्व रुपीज़ तो टू के जी का कितना होगा ट्वेल्व इंटू टू ऐसे ही थ्री और ऐसे ही अगर पूछे सिक्सटी थ्री के जी का कितना होगा वन का गिवन है सिक्सटी थ्री का पूछा है ज़्यादा का पूछा है और कम का पता है तो हम करते हैं मल्टीप्लाई सो ट्वेल्व जितना कॉस्ट एक के जी का होता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे जितने के लिए पूछा है सिक्सटी थ्री के जी से सो ट्वेल्व इंटू सिक्सटी थ्री ओके वट इज द आंसर हेयर ये तो हमें ऐसे मल्टीप्लाई करना है कैसे करेंगे इसे मेंटली मल्टीप्लाई जैसे हम अभी तक करते आ रहे थे इन दिस चैप्टर लाइक दिस वंस टेंस टू डिजिट्स हैं एंड दिस इज वंस टेंस आल्सो टू डिजिट्स ट्वेल्व को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले वंस डिजिट से ओके okay? मींस इस नंबर का वंस डिजिट है थ्री तो थ्री को ट्वेल्थ से मल्टीप्लाई कर दो बिकॉज यू ऑल नो टेबल ऑफ ट्वेल्व सो ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स राइट हीयर सिक्स एंड थ्री इन कैरी कीप इट इन माइंड दिस कैरी थ्री कैरी है इसे दिमाग में रखें ट्वेल्व सिक्स जैसू प्लस थ्री सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर सेवेंटी फाइव सो राइट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट सेवन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स रुपीज़ रिमेंबर याद रहे यू आप यूज प्रयोग करते बॉक्सेस डिब्बे टू को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने को टू टू दो नंबर संख्याओं इन क्लास थर्ड रिमेंबर याद है यू यूज बॉक्सेस टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स इन क्लास थर्ड क्या आपको याद है आप यूज़ करते थे मल्टीप्लाई करने के लिए टू नंबर्स मल्टीप्लाई करने के लिए बॉक्सेस का कर यूज करते थे इन क्लास थर्ड में ओके okay?

देयर आर टू डिजिट्स वंस टेंस तो हम इसे कैसे करेंगे सिक्सटी थ्री इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं सिक्सटी थ्री मीन्स सिक्सटी प्लस थ्री इज सिक्सटी थ्री एंड सेम ट्व को हमने ब्रेक कर दिया टेन प्लस टू इज ट्वेल्व वंस टेंस टेंस में आया वन डेट मीन्स टेन एंड वंस पर है टू सो टेन प्लस टू इज ट्वेल्व 12 को हमने ब्रेक कर दिया इन टेन एंड टू सेम वंस थ्री टेन सिक्स टेन याट मीन्स सिक्सटी प्लस थ्री सिक्सटी थ्री नाउ मल्टीप्लाई करेंगे वन बाई वन टेन इंटू सिक्सटी देन टेन इंटू थ्री फर्स्ट रो देर आर टू रोज एंड टू कॉलम्स

दे आर आर टू जीरोजन टू सो राइट टू जीरो सिक्स वन जा सिक्स ओके मेंटली सॉल्व करने का तरीका है six hundred एंड three into ten जीरो लिख दिया three one जा three thirty three ten जा thirty नेक्स्ट sixteen टू two जीरो आपने यहाँ लिखा two six जा Twelve, one hundred twenty three two जा six now इन सबको add करते थे डू यू रिमेंबर कुछ याद आ रहा है थर्ड क्लास में किया था ऐसे ही एडेड जोड़ना द नंबर संख्याओं संख्यास में जो संख्याएं हैं नंबर्स हैं इनको दिनू ने एड किया सिक्स हंड्रेड प्लस वन हंड्रेड ट्वेंटी प्लस थर्टी प्लस सिक्स डिजिट्स के नीचे डिजिट्स लिखते हुए सो एड दैम जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो इज जीरो जीरो प्लस सिक्स इज सिक्स जीरो प्लस टू टू प्लस थ्री टू प्लस थ्री इज फाइव जीरो प्लस टू इज टू एंड टू प्लस इज फाइव प्लस हंड्रेड फिफ्टी सिक्स एंड हमने भी लिखा है सेवन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स तो आप इसे कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको बड़ा लग रहा है तो आपको टेबल आते हैं ट्वेल्व के फास्टली से कर सकते हैं ट्वेल्थ थ्री या थर्टी सिक्स थ्री सिक्स या सेवेंटी टू प्लस थ्री कैरी सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर सेवेंटी फाइव लाइक दिस अदरवाइज यू कैन सॉल्व लाइक दिस ट्वेल्व इंटू सिक्सटी थ्री मीन्स मतलब ट्वेल्व टाइम्स सिक्सटी थ्री ट्वेल्व इंटू सिक्सटी थ्री का मतलब है ट्वेल्व मल्टीप्लाई सिक्सटी थ्री का मतलब है ट्वेल्व टाइम्स सिक्सटी थ्री सिक्सटी थ्री का ट्वेल्व टाइम्स जैसे फाइव इंटू टू है उसका मीन्स होता है फाइव टाइम्स टू टू का फाइव टाइम्स टू को फाइव टाइम्स करना है टू को हम फाइव टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या आएगा टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू ऐसे टू को फाइव टाइम्स ऐड करेंगे तो टेन आएगा और सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे फाइव टाइम्स टू इज फाइव टू जा टेन ट्वेल्व टाइम्स सिक्सटी इज सेवन हंड्रेड ट्वेंटी सो द आंसर इज मोर देन सेवन हंड्रेड ट्वेंटी बिकॉज ट्वेल्व टाइम्स सिक्सटी थ्री है तो सिक्सटी थ्री को हमने ब्रेक कर दिया सिक्सटी प्लस थ्री में फिर हमने क्या किया ट्वेल्व टाइम्स सिक्सटी कर लिया अब ये ईजी रहेगा वंस वा, डिजिट में जीरो है तो ईजी रहेगा करने के लिए इसलिए इसे ब्रेक किया है ट्वेल्व टाइम्स सिक्सटी इज होता है सेवन हंड्रेड ट्वेंटी बिकॉज जीरो पीछे लिखा एंड ट्वेल्थ सिक जाए सेवेंटी टू सो so, ईजी है बट यहाँ सिक्सटी नहीं सिक्सटी थ्री पूछा है तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा सेवन हंड्रेड ट्वेंटी से ज़्यादा आएगा इसीलिए द आंसर इज़ है मोर देन से ज़्यादा सेवन हंड्रेड ट्वेंटी आंसर सेवन हंड्रेड ट्वेंटी से ज़्यादा है ऑल्सो भी द आंसर उत्तर इज़ है लेस कम देन से एट हंड्रेड कैन यू टेल वाई क्या आप बता सकते हैं क्यों वाई क्यों और यह आंसर एट हंड्रेड से लेस देन कम होगा तो क्या आप बता सकते हैं क्यों यस बिकॉज सिक्सटी थ्री को हमने ब्रेक 60 3 60 को 60 किया सिक्सटी प्लस थ्री में सिक्सटी से ट्वेल्व को सिक्सटी से ही मल्टीप्लाई किया मीन्स ट्वेल्व टाइम्स सिक्सटी आया सेवन हंड्रेड ट्वेंटी तो ये मोर देन क्यों है सेवन हंड्रेड ट्वेंटी से बिकॉज अभी यहाँ थ्री और बचे हुए हैं सिक्सटी प्लस थ्री होता है सिक्सटी थ्री सिक्सटी से कर दिया मल्टीप्लाई थ्री बचा है अब आप थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी नो थ्री जा थर्टी सिक्स सो सेवन हंड्रेड ट्वेंटी प्लस थर्टी सिक्स इज लेस देन एट हंड्रेड हाउ सेवन हंड्रेड ट्वेंटी अगेन आप थर्टी सिक्स को थर्टी प्लस सिक्स कर सकते हैं देन सेवन हंड्रेड ट्वेंटी में थर्टी एट करेंगे सेवन हंड्रेड ट्वेंटी प्लस थर्टी फिफ्टी बिकॉज सेवन हंड्रेड फिफ्टी टू प्लस थ्री इज फाइव आपको इसे मेंटली करना है सॉल्व so, जैसे आप किसी शॉप में जाते हैं रुपीस देते हैं फिफ्टी रुपीस टेन 10 रुपीस हंड्रेड रुपीस तो आप जल्दी जल्दी वहाँ पर पे पेंसिल पकड़ के या कॉपी में आप कैलकुलेट नहीं करते शॉप जो शॉपमैन मैन हैं वो क्या करते हैं कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे बड़ा कैलकुलेशन और आप भी माइंड में तुरंत उसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना हमें इन्हें देना है पैसे कितने का सामान लिया तो आप कैसे करते हैं वहाँ पर ट्वेंटी प्लस थर्टीज फिफ्टी सेम सेवन हंड्रेड ट्वेंटी प्लस थर्टी सेवन हंड्रेड फिफ्टी और टू प्लस थ्री फाइव और जीरो हैं सो फिफ्टी देन बचा सिक्स सेवन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स दैट मीन्स सेवन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स इज लेस देन एट हंड्रेड सो कैन यू टेल टलवाई यस इसीलिए फॉर के लिए 63 थ्री के जी प्लास्टिक दीनू विल गिव रुपीज सेवन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स सिक्सटी थ्री के जी प्लास्टिक के लिए दीनू सेवन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स रुपए देगा किरण बॉट सो देर इज अ क्वेश्चन किरण बॉट खरीदा वन के जी प्लास्टिक फॉर रुपीज टेन बट लेकिन सोल्ड बेचा वन के जी प्लास्टिक फॉर रुपीज ट्वेल्व हाउ मच कितना मनी डी अन कमाना डस्ट शी अन वह कमाती ऑन पर सेलिंग बेच ना वन के जी प्लास्टिक रुपीज़ डैश तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि किरण ने खरीदा था एक वन के जी प्लास्टिक टेन रुपी में और उसे उसी वन के जी प्लास्टिक को उसने ट्वेल्व रुपीज़ में बेचा कम रुपीज़ में ख़रीदा और ज़्यादा रुपीज़ में बेच दिया डेट मीन्स उसे प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस है टेन रुपीस और सेलिंग प्राइस है ट्वेल्व रुपीस उसने कम रुपए में ख़रीदा आप अपने फ्रेंड से फाइव रुपए में खरीदेंगे समथिंग लाइक पेंसिल कुछ भी तो आपने उसे फ़ाइव रुपीस में ख़रीदा और अपने किसी दूसरे फ्रेंड को टेन रुपीस में बेच दिया तो आपका क्या हो गया लॉस और बेनिफिट बेनिफिट आपका फ़ायदा हो गया क्योंकि आपने लिया तो पन फाइव रुपीज़ में था पर बेच दिया टेन रुपीज़ में तो किरण ने टेन रुपीज में वन के जी प्लास्टिक खरीदा और सेम वन के जी प्लास्टिक उसने टेन रुपीज में बेच दिया हाउ मच मनी डस शी अर्न ऑन सेलिंग वन के जी प्लास्टिक तो एक के जी प्लास्टिक बेचने में कितने रुपीज कमाएगी टू इटमेंटली ट्वेल्व माइनस टेन इज रुपीज टू ब्रैकेट में लिख दीजिए ट्वेल्व माइनस टेन रुपीज ट्वेल्व माइनस टेन ट्वेल्व माइनस टेन रुपीज इज इक्वल टू रुपीज़ टू तो टू रुपीज़ का उसे बेनिफिट हो गया और उसने टू रुपीज़ कमाए डेट मीन्स यहाँ पे हमने क्या सीखा इफ वी सब्ट्रैक्ट सेलिंग प्राइस फ्रॉम कॉस्ट प्राइस और हम क्या कर दें सेलिंग प्राइस जितने में बेचा उतने में से कॉस्ट प्राइस जितने में ख़रीदा उसको माइनस कर हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस तो हमें क्या होता है गेन होता है फ़ायदा होता है लाभ होता है प्रॉफिट होता है ठीक है अगर हम ज़्यादा रुपीस में ख़रीद के कम रुपीस में बेच दें टेन रुपीस में आपने खरीदा और जैसे आप कोई सेकेंड हैंड चीज़ बेचते हैं टेन रुपीज़ में ख़रीदा उसका यूज़ किया था तो आपने उसे कम रुपीज़ में बेच दिया फ़ाइव रुपीज़ में तो आपका लॉस हो गया क्योंकि आपने ज्यादा में खरीदा था कम में बेच दिया बट अगर आप ज्यादा में बेचें और कम में खरीदाओ तो आपको गेन होता है प्रॉफिट होता है उसे टू रुपीज का प्रॉफिट हुआ किरण को सो हाउ सो इसीलिए हाउ मच मनी कितना मनी डशियन वह कमाती फॉर सिक्सटी थ्री के जी तो वह सिक्सटी थ्री के जी के लिए कितने रुपीज कमाएगी सो वट विल वी डू वी विल डू मल्टीप्लाई वन के जी में टू रुपीज कमा रही है वन के जी प्लास्टिक में टू रुपीज अन करती है तो सिक्सटी थ्री के जी में कितने रुपीज अन करेगी सिक्सटी थ्री मल्टीप्लाइड बाय टू और रुपीज टू है यहाँ सो so रुपीज टू बिकॉज वन के जी में टू रुपीज प्रॉफिट कमाती है सो फॉर सिक्सटी थ्री टू इंटू सिक्सटी थ्री इज़ इक्वल टू टू थ्री जा, सिक्स टू सिक्स या ट्वेल्व वन हंड्रेड ट्वेल्व वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स रुपीज़ अगर वो ये सारी चीज़ें खुद से प्रोड्यूस करती या तो ट्वेल्व रुपीज़ का वन के था तो सिक्सटी थ्री को बेचने में वो सिक्सटी थ्री इंटू ट्वेल्व यानी सेवन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स रुपीज कमाती जैसे दीनू कमा रहा है दीनू को सेवन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स रुपीज मिलेंगे बट आप यहाँ पे भी लिख दीजिए यहाँ पे पूछा है हाउ मच विल दीनू पे फॉर सिक्सटी थ्री के जी प्लास्टिक सेवन हंड्रेड रुपीज सेवन हंड्रेड फिफ्टी सिक्स नाव किरण ने टेन रुपीज में खरीदा था और ट्वेल्व में बेच रही है टू रुपीज का उसे प्रॉफिट हो रहा है टू रुपीज वो कमा रही है दैट मीन्स सिक्सटी थ्री के जी के लिए वो क्या करेगी वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स रुपीज कमाती है नाउ प्लीज टर्न द नेक्स्ट पेज किरण सेल्स थर्टी टू के जी आयरन किरण सेल्स बेचती है थर्टी टू के जी आयरन लोहा क्वेश्चन वन हाउ मच मनी कितना मनी विल दीनू पे फॉर थर्टी टू के जी आयरन थर्टी टू के जी आयरन के लिए पे करेगा द रेट लिस्ट है फॉर आयरन पर के जी रुपीज फोर्टीन वन के जी का फोर्टीन रुपीज है सो थर्टी टू के जी के लिए कितना रुपीज होगा यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर देंगे थर्टी टू के जी इंटू फोर्टीन और फोर्टीन का टेबल आता है सो फोर्टीन वंस डिजिट में है टू फोर्टीन टू जाइट टू इन कैरी ओके

Next, किरण बाइस खरीदती वन के जी आयरन फॉर रुपीज ट्वेल्व बट सेल्स इट फॉर रुपीज़ फोर्टीन लेकिन वह बेचती है इसे फोर्टीन रुपीज़ में वन के जी आयरन ट्वेल्व रुपीज़ में खरीदती है लेकिन इसे फोर्टीन रुपीज़ में बेचती है सो हाउ मच डज सी अन वैन सी सेल्स थर्टी टू के जी आयरन वह कितना कमाएगी जब वह बेचती है थर्टी टू के जी आयरन को तो उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है बिकॉज ट्वेल्व रुपीज का तो वो ऑलरेडी खरीद हुई है उसके खुद के भी पैसे जा रहे हैं ट्वेल्व रुपीज वन के जी आयरन खरीदने में लेकिन जब वो उसे फोर्टीन रुपीज में बेची है तो उसको टू रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं फोर्टीन माइनस ट्वेल्व इज माइनस ट्वेल्व इज रुपीज टू सो वन के जी के लिए टू रुपीज़ मिल रहे हैं सो थर्टी टू के जी के लिए थर्टी टू इंटू टू और रुपीज़ टू इंटू थर्टी टू इज इक्वल टू 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 जा फोर टू थ्री जा सिक्स रुपीज़ सिक्सटी फोर नेक्स्ट हाउ ओके वट विल दीनू पे चुकाता फॉर के लिए वन हंड्रेड फिफ्टी टू के जी न्यूज पेपर अखबार वन हंड्रेड फिफ्टी टू के जी न्यूज पेपर के लिए दिनू कितना चुकाएगा कितने पैसे पे करेगा क्वेश्चन द सोलूशन द रेट ऑफ वन के जी न्यूज पेपर एक के जी न्यूज पेपर का रेट है सिक्स रुपीज सो so, इसीलिए द कॉस्ट मूल्य ऑफ का वन हंड्रेड फिफ्टी टू के जी न्यूज पेपर अखबार इज है रुपीज़ सिक्स इंटू वन हंड्रेड फिफ्टी टू इसी वन हंड्रेड फिफ्टी टू के जी अखबार का कॉस्ट कितना होगा सिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज वन के जी न्यूज पेपर का कॉस्ट सिक्स रुपीज़ है सो वन हंड्रेड फिफ्टी टू के जी न्यूज़ पेपर का कॉस्ट so होगा सिक्स इंटू वन हंड्रेड फिफ्टी टू एंड हाउ टू सॉल्व इट दीनू राइट्स दीनू ने लिखा दीनू लिखता है वंस टेंस हंड्रेड हंड्रेड देन टेंस में है फाइव मीन्स फिफ्टी वंस टू हंड्रेड फिफ्टी टू वन हंड्रेड फिफ्टी टू इनको ऐड करेंगे तो वन हंड्रेड फिफ्टी टू आएगा नाउ सिक्स सिक्स अब वन बाई वन सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड इंटू सिक्स फिफ्टी इंटू सिक्स टू इंटू सिक्स हंड्रेड सिक्स जा दे आर टू जीरो राइट टू जीरोजेन सिक्स वन जा सिक्स जीरो राइट दिस जीरो दैन सिक्स फाइव जा थर्टी थ्री हंड्रेड टू सिक्स जो, नाउ एट सिक्स इंटू हंड्रेड इज इक्वल टू सिक्स हंड्रेड सो द आंसर इज मोर देन सिक्स हंड्रेड इज द आंसर लेस देन वन थाउजेंड हाउ डिड यू गैस सिक्स इंटू हंड्रेड होता है सिक्स हंड्रेड इसीलिए आंसर उत्तर इज है मोर देन सिक्स हंड्रेड इसलिए आंसर सिक्स हंड्रेड से ज्यादा है क्यों क्योंकि यहाँ पे 152 से मल्टीप्लाई करना है सिक्स को बट हम किससे कर रहे हैं 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आ रहा है 600 यानी कि अभी 52 और बचे हैं दैट मीन्स 600 से ज़्यादा ही आंसर आएगा और अगर आंसर सॉरी इज द आंसर लेस देन क्या आंसर वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड वन थाउजेंड से कम है लेस देन कम सो इज द आंसर लेस देन वन थाउजेंड तो क्या आंसर वन थाउजेंड से कम हो है हाउ डिड यू गैस आपने इसे कैसे गैस किया कैसे गैस करेंगे वन थाउजेंड से कम येस yes होगा बिकॉज हंड्रेड से मल्टीप्लाई करने के बाद फिफ्टी टू बचते हैं और आ रहा है थ्री हंड्रेड प्लस ट्वेल्व सो थ्री हंड्रेड ट्वेल्व अगर सिक्स हंड्रेड में आप थ्री हंड्रेड ट्वेल्व एड करेंगे कैसे करेंगे पहले आप थ्री हंड्रेड एड करेंगे सिक्स प्लस थ्री नाइन

देन तब ही वह एड्स जोड़ता द नंबर संख्याओं इन मै द बॉक्सेस बॉक्सेस में जो नंबर्स हैं उनको वो क्या करता है जोड़ता है लाइक दिस सिक्स हंड्रेड थ्री हंड्रेड प्लस ट्वेल्व जीरो प्लस जीरो इज जीरो जीरो प्लस टू इज टू जीरो प्लस जीरो इज जीरो जीरो प्लस वन इज वन सिक्स प्लस थ्री इज नाइन सो नाइन हंड्रेड ट्वेल्व यस yes, हमारा गैस भी करेक्ट था नाइन हंड्रेड ट्वेल्व एंड दिस इज लेस देन वन थाउजेंड आई बॉट मैंने खरीदा वन के जी न्यूज पेपर अखबार का वन के जी न्यूज पेपर खरीदा बट लेकिन शोल्ड इट इसे बेचा फॉर रुपीज सिक्स सिक्स रुपी में हाउ मच मनी डिड आई अर्न बाई सेलिंग वन हंड्रेड फिफ्टी टू के जी ऑफ न्यूज पेपर हाउ मच कितना मनी पैसे डिड आई मैंने अन कमाए बाई बेस्ट बाई द्वारा सेलिंग बेस्ट के वन हंड्रेड फिफ्टी टू के जी ऑफ न्यूज पेपर अखबार मैंने क्या किया वन आई अबाउट वन के जी न्यूज पेपर मैंने फाइव रुपीज़ में वन के जी न्यूज़ पेपर खरीदा बट इसे सिक्स रुपीज़ में भेज दिया डैट मीन्स वन रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है हाउ मच मनी डिड आई अन बाई सेलिंग वन फिफ्टी टू के जी ऑफ न्यूज पेपर बिकॉज उसे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ रुपीज़ वन का तो वन रुपीज़ का प्रॉफ़िट हुआ तो वन हंड्रेड फिफ्टी टू के जी न्यूज़ पेपर को बेचने में वह कितना कमाएगा वन हंड्रेड फिफ्टी टू मल्टीप्लाई वन सो द आंसर इज राइट हियर वन हंड्रेड फिफ्टी टू वन जा वन हंड्रेड फिफ्टी टू रुपीज़ वन हंड्रेड फिफ्टी टू तो वह कितना कमाता है वन हंड्रेड फिफ्टी टू रुपीज़ सो इसीलिए फॉर वन हंड्रेड फिफ्टी टू के फॉर के लिए वन हंड्रेड फिफ्टी टू के जी अखबार ही विल वह गिव देता किरण रुपीज नाइन हंड्रेड ट्वेल्व सो फॉर वन हंड्रेड फिफ्टी टू के जी न्यूज पेपर ही विल गिव किरण रुपीज नाइन हंड्रेड ट्वेल्व वन हंड्रेड फिफ्टी टू के जी न्यूज पेपर के लिए वह किरण को नाइन हंड्रेड ट्वेल्व रुपीज देगा ओके सो दिस इज फॉर दिस उसने ऐड करे नंबर्स को तो कितना आया बिकॉज वन के जी न्यूज पेपर का प्राइस था सिक्स रुपीज़ सो वन हंड्रेड फिफ्टी टू के जी के लिए पूछा था डेट मीन्स सिक्स इंटू वन हंड्रेड फिफ्टी टू एड उनको मल्टीप्लाई किए पहले ब्रेक कर लिया वन हंड्रेड फिफ्टी टू को हंड्रेड सॉरी वंस टेंस हंड्रेड में देन उनको मल्टीप्लाई किया देन ऐड देम देन दिस आंसर इज़ फॉर दिस नाइन हंड्रेड ट्वेल्व डेट मीन्स सो फॉर वन हंड्रेड फिफ्टी टू के जी न्यूज़ पेपर ही विल गिव किरण ही विल गिव टू किरण रुपीज़ नाइन हंड्रेड ट्वेल्व वन हंड्रेड फिफ्टी टू के जी न्यूज पेपर के लिए वह किरण को नाइन हंड्रेड ट्वेल्व रुपीज़ देता है बट उसने तो वन के जी न्यूज पेपर फाइव रुपीज में खरीदा ओके दिस इज एन अनदर क्वेश्चन ये किरण सोच रही है थिंकिंग किरण ने वन के जी न्यूज पेपर फाइव रुपीज़ में खरीदा और उसे बेच दिया सिक्स रुपीज़ में डेट मीन्स उसने इसे सिक्स रुपीज़ में बेचा यानी कि नाइन हंड्रेड ट्वेल्व रुपीज़ में बट उसने फाइव रुपीज़ का ख़रीदा भी था तो उसे प्रॉफिट कितना हुआ वन हंड्रेड फिफ्टी टू रुपीज़ का ऑलराइट? राइट आई होप यू अंडरस्टैंड किरण अब किरण के पास जो जंक है अगर वो उसके खुद से ढूंढे हुए कलेक्ट किए होते और उसे डायरेक्टली सिक्स रुपीस में बेचती तो टोटल उसे नाइन हंड्रेड ट्वेल्व रुपीज़ का पूरा प्रॉफिट हो जाता जितने में उसने बेचा है बट वह जंक कहाँ से लेती थी फ्रॉम जंक कलेक्टर से इन प्रीवियस टॉपिक हमने पढ़ा था वो जंक कलेक्टर से जंक खरीदती थी फिर उसे बड़े शॉप में बेचती थी इससे थोड़ा बहुत उससे प्रॉफिट होता था तो वन के उसने फाइव रुपीज़ में ख़रीदा है तो उसके ख़ुद के भी रुपीस लगे बट वो बेचती सिक्स रुपीस में थी तो वन रुपीस का उसे प्रॉफिट होता था इन ईच के जी पर के जी एक के जी में आप वन फिफ्टी टू के जी व बेचेगी तो उसे वन फिफ्टी टू रुपीज़ का प्रॉफ़िट होगा जब उसने टोटल सिक्स रुपीस के अकॉर्डिंग वन फिफ्टी टू के जी बेचा नाइन हंड्रेड ट्वेल्व रुपीज़ मिले और उसे प्रॉफिट हुआ वन हंड्रेड फिफ्टी टू रुपीज़ का ओके